The role of Aspia in the rise and fall of civilizations. Ibn Khaldun shared that cooperation was fundamental to human survival, and without the help of others, he noted people could not effectively defend themselves from predatory animals or obtain and cultivate enough food for their. Subsistence. So, this need for mutual help and support, he argued, was what ultimately led to the formation of tribal societies, which in turn provided the foundations for more complex urban civilization. So, central to his explanation of how these societies evolved over time. Was the Arabic concept called asbiya? This can loosely be translated to mean group feelings or social solidarity, and he refers to the bonds of that exist between members of a social group. And Ibn Khaldun explained asbiya is something which tends to occur naturally among blood relatives. अब इब्न खलदून ने बहुत इम्पॉटेंट बात की है कि सोशल सॉलिडेरिटी कैसे राइज करती है इब्न खलदून का ख्याल है कि ख़ास पहचान रखने वाले लोग वो एक ख़ानदान से जिनका आगाज़ होगा फिर वो अल्टीमेटली एक ट्राइबल सोसाइटी और फिर वो ट्राइबल सोसाइटी ट्राइबल जो ग्रुप्स होंगे वो एक स्टेट को क्रिएट कर सकेंगे लेकिन उनके दरमियान सबसे इम्पोर्टेंट लिंक क्या है वो उनका सोशल सॉलिडेरिटी का लिंक है यानी वो अगर मिलकर काम करेंगे तो वो अपने लिए प्रॉपर फूड भी ग्रो कर सकेंगे अपने आप को डिफेंड भी कर सकेंगे पुराने वक्तों के अंदर खतरात एनिमल से होते थे आज खतरा की नेचर चेंज हो चुकी है लेकिन बुनियादी फीलिंग बुनियादी नज़रिया वही है कि अगर इकट्ठे होंगे तो किसी भी तरह के खतरे का मुकाबला जो है वो किया जा सकता है सो दिस प्रोटेक्टिव अर्ज कैन हाउ एवर एक्सटेंड आउट टूवर्ड्स अदर नॉन ब्लड रेलेटिवज़ हु कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद अब इब्तदा में तो जाहिर है जो एक ख़ानदान के लोग होंगे वो इकट्ठे होंगे लेकिन फिर आहिस्ता आस्ता यह सिलसिला भरता हुआ किसी एक जगह पर रहने वाले लोगों के दरमियान भी जो फीलिंग है वो क्रिएट हो जाएगी सोल सोशल सॉलीडेरिटी कैन एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ फैमिली but it can also develop among the wider tribe. To so, Ibn Khaldun, Aspia was the key to understanding why some tribes flourished and grew into larger, more complex societies and why others failed or break down together. Yani, Ibn Khaldun ki ye philosophy hai, जो अरूज पर नहीं पहुंच सके जो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं उसकी वजह क्या होती है तो इब्ने ग ने अपनी फिलॉसफी को ऐसे प्रेजेंट किया कि वो लोग जिनके अंदर सोशल सॉलिडेरिटी यानी यकजहती नहीं कायम होती वो मुशरे जल्दी जवाल का शिकार हो जाते हैं और ख़ास तौर पर वो वो ट्राइबल सोसाइटीज़ जिनका बुनियादी यकीन असबिया पर नहीं होता वो वीक होते हैं और वो इफ़ेक्टिवली किसी भी सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते सो इन एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इबन द डारवंस नोशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट कि कतरात जो हैं उनका मुकाबला करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है जो उसका मुकाबला कर सके सो इबन खलदून डिस्क्राइब हाउ द ट्राइब्स विद द स्ट्रॉगर सेंस ऑफ सॉलीडेरिटी वुड इवेंचुअली राइज टू पावर वही ताकतवर बनेगा जो कि पूरे प्रोसेस से गुजरेगा और इसके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस होगी बिकॉज दिस इज़ बिकॉज द यूनिफाइंग पावर ऑफ अ शेयर रिलीजन सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन अ ग्रूप्स अस्बिया बाज़ात मजहब की बुनियाद पर भी लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है एक पहचान आती है जैसे इब्ने खलद ने मुस्लिम जो स्टेट्स थी उनके राइज के बारे में बात की कि कैसे उनको एक आइडियोलॉजी ने इकट्ठा किया और फिर उस आइडियोलॉजी और ट्राइबल एफिलिएशन के साथ मिलकर मुस्लिम्स जो थे उन्होंने दुनिया के बहुत सारे हिस्सों पर अपनी हुकूमतें जो हैं वो कायम की हैं लेकिन इसके साथ साथ इब्ने खलद का ये ख्याल है कि वो मुशरे जो नॉलेज के साथ अपने रिलेशनशिप को वीक कर देते हैं जो स्किल्स के साथ जुड़े नहीं रहते फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे माशरों के अंदर डाउनफॉल आता है और फिर आ, वो ख़ुद को डिफेंड नहीं कर पाते हैं उन एक्सटर्नल थ्रेट्स के को काउंटर करने के लिए जो बाहर से उन पर आ, आ जाते हैं और फिर ऐसे माशरे जवाल का शिकार हो जाते हैं